नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। अहमदाबाद में शिवरात्रि को लेकर हरिद्वार से गंगा जल ला रहे हैं कांवड़िए। वहीं बाबा बर्फानी समिति के द्वारा भंडारा शिविर का किया गया आयोजन। मुरादाबाद के कांड रोड पर बर्फानी बाबा समिति के तत्वाधान में बारबा भोले का भंडारा लगाया गया। हरिद्वार से आने वाले शिव भक्तों का बाबा बर्फानी समिति द्वारा कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया गया। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे मंडल में अलर्ट जारी किया गया है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। शिवालयों में जलाभिषेक करने का खास महत्व होता है। इसके लिए मंडल भर के शिव भक्त कई दिन पहले कांवड़ लेने के लिए ब्रजघाट व हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। आज इस मौके पर राजीव बिश्नोई, ब्रह्मजीत बिश्नोई, अतुल कुमार, विजयपाल सिंह शिवम, अनिकेत बिश्नोई आदि का सहयोग रहा। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विजयपाल सिंह है। सर, आज आपका ये भंडारा चल रहा है और आपने कांवड़ ले रखी है, कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, तो सेवा तो है। तो कांवड़ तो एक अच्छी चीज़ है, उसको हमें सभी को बार बता दें। भगवान का ये प्रकार है और जो है समाज में जो है इसके लिए बातें आती है लोगों के, और सब जो है इसी से जो है अपना रास्ता भी सही पाते हैं। बात करते हैं जी, क्या नाम है आपका? मैं राजीव बिश्नोई। आज जो कार्यक्रम चल रहा है भंडारे का, किस सूची के सौजन्य चल रहा है? देखिए, 1 तारीख को शिवरात्रि है। हरिद्वार से काफ़ी मात्रा में कांवर आती है, जल भर के आते हैं। यहाँ भोले की बारात है, यहाँ भोलों को जलपान की व्यवस्था कराई गई है, धूप की व्यवस्था है 3 दिन के लिए। ये 12वां भंडारा है हमारा, 12 साल से लगातार चल रहा है। अभी कोरोना बीच में हुआ था तो 2 साल जो है अब भंडारा हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि कांवर बंद थी उस समय। और यहाँ बहुत बहुत दूर से कांवरी आते हैं, इधर बरेली तक यहाँ से जो है कांवर हरिद्वार से आती है, तो वो भंडारी यहाँ जो है भोले आते हैं, रुकते हैं। कांवरियों का भंडारा है जी, कांवरियों का। कोई संदेश देना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, और स्वच्छता का संदेश पूरे भारत में होना चाहिए कि अपने आसपास स्वच्छता रखें। दूसरी चीज़ ये है, सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक भंडारे के माध्यम से सेवा का प्रचार करते हैं कि सेवा भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और समाज में ऐसे कार्य हर व्यक्ति को करने चाहिए।